राम के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने SSB जवानों की भी तैनाती कर दी है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। जिला पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज और PSC लगी थी, लेकिन अब SSB को भी लगा दिया गया है। देखिए, सुबह 4 बजे से यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। अभी 21 और 22 जनवरी को सामान्य जनता के लिए मंदिर बंद था, इसलिए कोई दर्शन नहीं कर सका, लेकिन आज 23 जनवरी हो गई है और 23 जनवरी को सामान्य दर्शन के लिए द्वार खोल दिए गए हैं प्रभु श्री राम के। मंदिर के बाहर से लेकर भीतर तक जबरदस्त भीड़ है। लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए भक्ति से सराबोर होकर यहां पहुंच रहे हैं। अलग अलग प्रदेश के हिस्सों से लोग यहां आए हुए हैं और भक्ति में सराबोर हैं। प्रभु श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, राम धुन गाई जा रही है। भक्ति का माहौल है। कहाँ से आई हैं आप? सूरत से। सूरत से? हाँ। तो दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन नहीं हुए। इतनी भीड़ है, कैसे जाएंगी? हम जाएंगे, देखो भगवान बुलाएंगे। हाँ जाएंगे। बाहर रखने की जगह नहीं है अंदर? कोई बात नहीं, बुलाया है तो जाएंगे। 2 घंटे 4 घंटे नंबर तो आएगा ना। जय जय श्री राम। कहाँ से आए आप? जी कोलकाता से। कोलकाता से जी। अच्छा। जी तो दर्शन हो गए? कल दर्शन कर लिए हम लोगों ने, बहुत हो गए। अब ये भैया लोगों को कराना है दर्शन। बहुत भव्य नजारा था कल, अद्भुत। रोंगटे खड़े हो गए, आंसुए रुक नहीं रहे थे कल। बहुत अच्छा लगा। और आपके न्यूज के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि उन्होंने हम सनातनियों को इतना बड़ा तोहफा दिया है। हम लोग बहुत खुश हैं। तो ये है अयोध्या में आए हुए श्रद्धालु। कोलकाता से आए हैं, गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, पश्चिम बंगाल से आए हैं, तमाम अलग अलग जनपदों से आए हैं और इनको इतनी जबरदस्त भीड़ है श्रद्धालुओं की, नियंत्रित करने के लिए देखिए SSB लगा दी गई है। अब ये लोग घेरा बना के यहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि सड़क पर जो यातायात है वो अव्यवस्थित ना हो, कोई असुविधा ना हो और भगदड़ की स्थिति ना हो, इसलिए इन लोग जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस के अलावा PSC भी लगी है और तमाम अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज भी लगी है, लेकिन भीड़ इतनी जबरदस्त है कि बेकाबू हो रही है और इनको नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। आज प्रशासन के लिए निश्चित तौर पर ये चुनौती भरा दिन है। कैमरा सुवीर रामबाला के साथ विवेक त्रिपाठी, जी मीडिया, अयोध्या। तो रामलला के दर्शन शुरू हो गए हैं, कोई दर्शन कर रहा है, कोई कर चुका है, तो कोई लाइन में खड़ा हुआ है, लेकिन सभी के चेहरों पर खुशी है। अयोध्या में आज से रामलला के दर्शन शुरू हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी जन तालाब जो है वो उमड़ा हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त कतारों में नजर आ रहे हैं और लोग जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए बहुत घंटों से जो है इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ठंड ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जो हुजूम है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं लोग जो है इस वक्त जो है गाना गाते हुए, भजन गाते हुए जो है वो इस वक्त जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दर्शन करके आ चुके हैं, उनसे बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है। हमने अच्छा दर्शन किया और भगवान का फिक्र बहुत ही अच्छा है और हमने बहुत अच्छे तरीके से और शानदार भव्य और दिव्य मंदिर है। मोदी जी और योगी जी ने इस तरह का भव्य मंदिर बनाया, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। कहाँ कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? 1-2 घंटा हो गए थे। अभी तो लंबी लाइन लगेगी। 2 घंटे से लाइन में। पर हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 घंटे से लाइन में लगे हैं, पर बड़ी खुशी के साथ हमें 2 घंटे ऐसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज और कल अयोध्या नगरी ऐसे लग रही थी जैसे हमारी द्वारिका नगरी बसा दी है विश्वकर्मा जी ने, इसी तरह हमारे मोदी जी। और आज कहाँ से आए हैं? तेलुगु, आंध्र। आंध्र से आए हैं? हाँ, पार्वतीपुरम चल रहा। अच्छा, हाँ। सब लोग वहीं से आए? दर्शन हो गया? दर्शन हो गया। कैसा रहा दर्शन? ऐसा मंदिर अभी तक भारत में हमने कभी नहीं देखा, इतना भव्य मंदिर, इतना अच्छा मंदिर। वहाँ पे अंदर जाने के बाद एक एक रोमा खड़ा हो गया था, ऐसा लग रहा था। जो आस्था का जो जन तालाब है वो इसलिए उमड़ा है क्योंकि आज प्रभु श्री राम के दर्शन शुरू हो चुके हैं और सभी लोग अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये कहा जा सकता है कि एक अलग तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो घंटों तक कतारों में खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं है क्योंकि उनको पता है कि दर्शन करे बिना वो राम जी के नहीं जाएंगे यहाँ से। क्या नाम है? विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, अयोध्या। अयोध्या में आज से